ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। आज पूरा प्रदेश डूंगरपुर की तरफ देख रहा है क्योंकि डूंगरपुर में हाईवे पर बवाल है, बवाल के साथ कई सवाल हैं। वहीं सीएमआर में प्रतिनिधि मंडल के साथ अहम बैठक है। डूंगरपुर में धारा 144 भी लागू है, इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। बांसवाड़ा में भी इंटरनेट सेवाओं को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षक बनने की मांग को लेकर यह गुंडागर्दी क्यों की जा रही है? हजारों उपद्रवियों ने हाईवे पर सवाल दागते हुए बवाल कर दिया है। खेरवाड़ा में कई दुकानों में लूटपाट की गई, आगजनी की गई, कई कॉलोनियों में भी उपद्रवी घुस गए और दहशत में लोग हैं। चार निजी बसों समेत 25 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, यानी कि गाड़ियों को फूंक दिया गया। पुलिस की भी कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। इस दौरान डीसी, आईजी, एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। 500 से ज्यादा जवान आरएसी का जाब्ता तैनात है। उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का भी जाब्ता वहां तैनात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालांकि शांति की अपील की है। वेस्ट इंडिया भी लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। विरोध का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको कोई किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकता। सवाल उठता है कि क्या इस तरह के लोग शिक्षक बनने लायक हैं जो इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, गाड़ियों को आगजनी के हवाले कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या इस तरीके के लोग शिक्षक बनने के लायक हैं? क्या मांग मनवाने के लिए ऐसा बवाल जरूरी है? क्या बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया नहीं जा सकता? इंसानियत को परे रखकर ऐसा हंगामा क्यों? क्यों लूटपाट की जा रही है? क्यों गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है? क्यों लोगों में दहशत भरी जा रही है? क्या ये वो शिक्षक बनने के लायक हैं जिनके अंदर इंसानियत तक दिखाई नहीं दे रही? आमजन और पुलिस पर हमला क्या वाकई में ठीक बात है? आपको प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन कीजिए, आवाज उठानी आवाज उठाइए। लोकतंत्र में आपको अधिकार है। आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन आवाज को उठाते हुए दूसरों की आवाजों को दबाना, दूसरे के दिल में दहशत को भरना, गाड़ियों को आग लगा देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके बाद वेस्ट इंडिया के सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसे शिक्षक भविष्य को संवारेंगे? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। डूंगरपुर में जो हुआ वो अभ्यर्थियों का काम है या फिर उपद्रवियों का? अगर उपद्रवी है तो उनके पीछे कौन है? सामान्य वर्ग की सभी 1167 रिक्त पदों पर एसटी भर्ती की जिद क्यों है, जब ये सारी जो सीटें खाली हैं वो जब सामान्य वर्ग की हैं, तो फिर एसटी जिद क्यों कर रहे हैं भर्ती के लिए कि उनकी तरफ से इन भर्तियों को भरा जाए, इन सीटों को भरा जाए? अपनी मांग रखने का ऐसा हिंसक तरीका क्यों अपनाया जा रहा है? राजस्थान एक शांत प्रदेश है, बातचीत से चीजें सुलझती हैं, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ऐसे शिक्षक कल बच्चों का भविष्य सवार पाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हिंसा पर उतारू ये लोग क्या शिक्षक जैसे गरिमाएं पद के लिए ठीक हैं? और क्या पुलिस पर हमला करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की भर्ती होनी चाहिए? मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस मांग को लेकर होता कि 1167 पदों को भरा जाए, उससे यहाँ की शिक्षा बढ़ेगी, लेकिन उन पर हमें भरा जाए और ऐसा नहीं करने पर हम तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, ये किसी तरीके से सही नहीं। हालात थोड़े बहुत काबू में आए या नहीं आए? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, फिलहाल हालात काबू में अपने आप आए हैं। किसी तरह का पुलिस और प्रशासन की कोई इसमें जो है भूमिका नहीं है, क्योंकि रात का समय हो चुका है और ये जो अभ्यर्थी, जो तथाकथित अभ्यर्थी है, यानी कि जो उपद्रवी जो है, वो अब अपने उसी ठिकाने की ओर लौट चुके हैं, जो कि कांकरी डूंगरी एक जगह है जहां पर ये पिछले 18 दिनों से महापड़ाव डाले हुए थे, उसी जगह लौट चुके हैं। और अब रात भर जो है, क्योंकि इन्होंने आज दिन भर में जमकर लूटपाट मचाई है, अराजकता का नंगा नाच किया है, और खासकर खेरवाड़ा कस्बा जो है उसको यूं कहें कि काफी देर तक अपनी गिरफ्त में रखा, अपने कब्जे में रखा, दर्जनों दुकानों में लूटपाट की, शराब की दुकानों में लूटपाट की, वहां से शराब लूट के ले गए। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा चौपहिया वाहन जो है उनको आग के हवाले किया, दर्जनों मोटरसाइकिल्स को जला दिया, शहर ये जो कस्बा है यहाँ पर होल्डिंग्स तोड़ दिए, बोर्ड तोड़ दिए, और जो नुकसान ये कर सकते थे, लाइट के जो केबल्स हैं, जो और जो दूसरे संसाधन है उनको जितना नुकसान पहुंचा सकते थे उतना नुकसान पहुंचाया है। इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई सारे लोगों के घरों के बाहर के बोर्ड्स टूटे हुए हैं, गेट टूटे हुए हैं, घरों में घुसकर इन्होंने
या लूटपाट करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ब्रजेंद्र अभी जो स्थिति है वो यही है कि ये जो लोग थे जो उपद्रवी थे जो अराजक तत्व है वो अब अपने उसी स्थान पर लौट चुके हैं और पुलिस जो है इनके लौटने के बाद आगे बढ़ के और अब जो है उसी जगह पर पुलिस ने वापस अपनी जगह बनाई है जहां पर आज सुबह पुलिस थी और इसके दिन भर में तकरीबन 12 किलोमीटर पीछे हट गई थी। लेकिन अब इनके इन अराजक तत्वों के लौटने के बाद पुलिस ने फिर से जो मितली मोड़ जो है वहां पर पहुंचकर पुलिस ने अपना कब्जा जो है वो जमाया है। बिल्कुल रवि वापस आपके पास लौटेंगे। नरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जो बैठक होनी थी उसका क्या हुआ? बिल्कुल विजेंद्र देखिए मुख्यमंत्री आवास पे बैठक चल रही है जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिसमें विधायक मौजूद है मंत्री मौजूद है मंत्री अर्जुन बामणिया है गणेश घोगरा है इसके अलावा राम प्रसाद है राजकुमार है और भी जो प्रतिनिधि है वो आए हैं। बातचीत चल रही है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता शुरू हुई है और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं सरकार का क्या पक्ष है वो तमाम बातें रखी गई है। लेकिन साथ में मुख्यमंत्री ने ये फिर उन जनप्रतिनिधियों को भी कहा है वो लोगों को समझाए कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखें। हिंसा का जो तरीका है वो कतई उचित नहीं है। और इसके बाद विजेंद्र इस बैठक के बाद जो अहम बात है वो है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक लेंगे जिसमें DGP मौजूद होंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और पूरा फोकस जो है वो इसी बात को लेके है कि ये जो हिंसा की घटना हुई है इनको किस तरह से रोका जाए और साथ में जो इनपुट आया इंटेलिजेंस से कि कुछ और जगह भी इस तरह का ये जो प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो और जगह भी हो सकता है तो उस पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए। तो दो बातें हैं। पहली कि जो जनप्रतिनिधि है उस इलाके के डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके के उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा चल रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों को के साथ में कानून व्यवस्था को लेकर और भविष्य की रणनीति को लेकर कि आगे मामला ना बढ़े उसको लेकर बैठक करने वाले हैं। ठीक है नरेश वापस आपके पास आऊंगा। रवि आपसे जानना चाहेंगे आपने कहा कि 18 दिन से ज्यादा वक्त हो चला है जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि जो वहां की लोकल इंटेलिजेंस है जो वहां की पुलिस है जो वहां के कलेक्टर है क्या वो मौके की नजाकत को भांप नहीं पाए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ? क्योंकि इंटेलिजेंस का फेलियर तो दिखाई देता है। इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन एक दो दिन के अंदर नहीं होता है। जी बिल्कुल देखिए ब्रजेंद्र ये जो पूरा आपने जो एक बात कही है कि इतना उग्र प्रदर्शन मैं कह रहा लेकिन मैं ये इस बात को ऐड करना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर आज हम लोग जो ग्राउंड जीरो पर पूरे दिन से कवरेज कर रहे हैं तो एक बात और निकल कर सामने आई है ब्रजेंद्र की और वो बहुत गंभीर बात है कि ये सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह का जो प्रदर्शन है अराजकता का जो प्रदर्शन है क्या सिर्फ और सिर्फ इन 1167 जो पद है इन्हीं पर नियुक्ति के लिए है या इसके पीछे कुछ और भी एजेंडा है? क्योंकि ब्रजेंद्र इस उदयपुर संभाग में पिछले लंबे अरसे से भील प्रदेश की मांग जो है वो उठाई जाती रही है और इस इलाके के अलावा गुजरात मध्य प्रदेश से सटे हुए जो जगह है वहां के लोग भी इस भील प्रदेश की मांग को लेकर हमेशा से अपनी बात मुखर करते आए। तो आज जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ जिसमें कि लूटपाट हुई एक ट्रेलर को लूटकर उस ट्रेलर से पुलिस के वाहनों पर और जवानों पर अटैक करने की कोशिश हुई दर्जनों वाहनों में आग लगाई गई लूटपाट की गई तो ये जो तमाम चीजें हैं वो इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि जो एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इस बात की तह में जाने की भी जरूरत है कि क्या ये कोई एक आँच ही है सिर्फ चिंगारी भर है क्या कोई और बड़ी आग जो है अभी सुलग रही है जिसका कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा जलजला देखने को मिले। तो ऐसे में अब इंटेलिजेंस की बड़ी जिम्मेदारी ये भी है। रवि आप ये कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है दरअसल मुखौटा इसके पीछे का चेहरा कुछ और है और उसमें कुछ राजनेता भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल देखिए ब्रजेंद्र फिलहाल जो हमारे पास हमारे जो आप सूत्र हैं उनके हवाले से जो जानकारी आई है उसके तहत तो यही माना जाएगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है और इस तरह से क्योंकि 18 दिन से ये महापड़ाव डाले हुए थे इन दिनों में इनके साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने भी मुलाकात की बात की
और तब इनका इस तरह का कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन अचानक से इस आंदोलन का भड़क जाना। हालांकि ये जरूर कहा गया कि अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले डूंगरपुर प्रशासन की ओर से कुछ मुकदमे दर्ज किए गए जिसमें कोविड 19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर इन अभ्यर्थियों को और इन लोगों को जो है मुकदमा दर्ज किया गया, तो इस बात से भी नाराजगी जरूर बताई गई थी। लेकिन बड़ी नाराजगी की जो वजह सामने आ रही है वो कुछ और भी हो सकती है, इस बात की तह में जाने की बेहद जरूरत है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, नरेश आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जो 1167 पद जिनको भरने की बात की जा रही है वो सामान्य श्रेणी के पद हैं। ये कहा जा रहा है कि एसटी से वहां पर इन पदों को भरा जाए। अब मैं इस मीटिंग को समझना चाहूंगा, अगर इस मीटिंग में इनके पक्ष में फैसला लिया जाता है तो फिर सामान्य वर्ग में नाराजगी होगी क्योंकि ये पद उनके हैं, और अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं लिया जाता तो बीच का रास्ता आपको क्या दिखाई दे रहा है? चलिए वापस से इनको जोड़ेंगे, लेकिन रवि का रुख कर लेते हैं। रवि आपने सवाल सुना होगा, सवाल यह है कि जो ये मांग कर रहे हैं उस मांग पर इनका कोई हक नहीं। अब जयपुर में बैठक चल रही है, अब अगर इस मांग को माना जाता है तो फिर सामान्य वर्ग में नाराजगी होगी, और अगर मांग को नहीं माना जाता है तो फिर इस आंदोलन पर ही सवाल खड़े होंगे। जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, अगर संवैधानिक तौर पर इस मांग को देखें तो कतई न्यायोचित नहीं है, क्योंकि ये जो पद है 1167 पद हैं, ये अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और इन पर सभी का अधिकार है, जो भी आरक्षण की स्थिति है उसके अनुसार। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो है इन सभी पदों पर एसटी कोटे से जो अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती नहीं दी जा सकती, ये एक बात जरूर सामने आई है। लेकिन जो जो पॉलिसी मेकर्स जो है, जो सरकार है, वो किस तरह से इस पूरे मसले को एग्जामिन करती है, ये एक उनका उनका नजरिया रहेगा कि वो इसमें किस तरह का कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बिल्कुल रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कोई बीच का रास्ता निकले, और कम से कम जिन्होंने तोड़फोड़ किया, मारपीट किया, कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि लोकतंत्र में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, तोड़फोड़ आगजनी नहीं कर सकते हैं। जल्द हाजिर